तनख्वाह लेने वाला अफसर 8,000 महीना कमाने वाले मजदूर से रिश्वत मांग रहा हो, वहां अल्लाह का अजाब ना आए तो और क्या आए। जहां रिश्वत को अपनी रोजी समझी जा रही हो, सूद को अपना कारोबार समझा जा रहा हो, मुझे बताओ तो सही, वहां अल्लाह का अजाब ना आए तो और क्या है। जहां औरतें मर्दों का रूप इस्तेमाल कर रही हो और मर्द औरतों की खसलतें अख्तियार कर जाएं, वहां अल्लाह का अजाब ना आए तो और क्या है। जहां जिना आम हो जाए और पानी की जगह लोग शराबें इस्तेमाल कर रहे हो, वहां अल्लाह का अजाब ना आए तो और क्या है। ऐ बंदे, अजाब जब भी आता है नाफरमान लोगों के शहरों को उजाड़ने के लिए आता है, अजाब जब भी आता है नाफरमान लोगों की बस्तियों को, नाफरमान लोगों के घरों को उजाड़ने के लिए आता है। जहां नौजवान कुरान करीम को अलमारी में बंद करके सुबह सवेरे उठकर रोमांटिक नावल पढ़ते हो, वहां अल्लाह का अजाब ना आए तो और क्या है। जहां मजलूमों के साथ जुल्म किए जा रहे हो, मजलूमों के साथ सितम किए जा रहे हो और जालिमों को शाबाश दी जा रही हो, वहां अल्लाह का अजाब ना आए तो और क्या है। जहां मुसलमान औरतें बाजारों में नंगे सर फिरती हों, वहां अल्लाह का अजाब ना आए तो और क्या है। आपको पता है कि बचपन में हम पेंसिल का इस्तेमाल किया करते थे, जैसे ही बड़े हुए तो पेन का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। क्यों? इसलिए कि बचपन में गलती मिट सकती थी लेकिन अब नहीं मिटेगी। ऐ दोस्त, आ जा उस करीम रब के दरबार पे जो एक माँ से नहीं 70 माँओं से भी ज्यादा मोहब्बत करने वाला। उसकी जात तो आवाजें दे रही हैं, ओ मेरे यार की उम्मती, एक बार तू मेरे दरबार पे आकर तो देख, एक बार अपना दामन फैला कर तो देख, ओए बख्शिश की हद न कर दूं, मुझे रब्बुल आलमीन भी न कहना। की बात फैलाना सदका जारिया है, सवाब की नीयत से वीडियो को शेयर जरूर।